पिछले कुछ महीनों से Google Clouds का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा है। इस महीने की शुरुआत में Google के CEO सुंदर पिचाई ने कहा था कि बहुत से कर्मचारी के काम को देखकर संतुष्टि नहीं मिल रही है। पिचाई के अनुसार Google की प्रोडक्ट अपनी क्षमता से कम है। अब उम्मीद से कम प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। सीनियर एग्जीक्यूटिव की तरफ से चेतावनी दी गई है कि अगर तिमाही नतीजे अच्छे नहीं रहे तो सड़कों पर खून दिखेगा, यानी छटनी के लिए तैयार रहें। नोएडा के सुपरटेक कंपनी के ट्विन टावर को गिराने की तैयारियां जोर शोर से जारी है। चौथे दिन आज भी पलवल से विस्फोटक लाया गया। टावरों में विस्फोटक लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। टावर को ध्वस्त करने के लिए 15 दिनों तक विस्फोटक लगाया जाएगा। दोनों टावरों में रोजाना 290 किलो विस्फोटक लगाया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि मुस्लिमों में तलाक हसन के जरिए तलाक देने की प्रथा तीन तलाक की तरह नहीं है और महिलाओं के पास भी खुलक का विकल्प है। तीन तलाक की तरह तलाक हसन भी तलाक देने का एक तरीका है, लेकिन इसमें तीन महीने में तीन बार एक निश्चित अंतराल के बाद तलाक बोलकर रिश्ता खत्म किया जाता है। इस्लाम में पुरुष तलाक ले सकता है जबकि कोई महिला खुलक के जरिए अपने पति से अलग हो सकती है। बिहार की महागठबंधन सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार आज राजभवन में संपन्न हुआ। शपथ लेने वाले 31 मंत्रियों में जनता दल यूनाइटेड के 11, राष्ट्रीय जनता दल के 16, कांग्रेस के 2 तथा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 1 मंत्री का फॉर्मूला बनाया गया। एक निर्दलीय को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई। उत्तर प्रदेश में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनुमति के बाद ही किसी भी कर्मचारी या अधिकारी का ट्रांसफर हो सकेगा। प्रदेश में ट्रांसफर की अवधि समाप्त होने के बाद भी पहले तो वर्ग ए तथा बी के तबादले के लिए ही मुख्यमंत्री से अनुमोदन की जरूरत पड़ती थी। इस बार तो समूह ग तथा घ के किसी भी कर्मचारी के तबादले के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में आज शासनादेश भी जारी कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट की बैठक में आज 16 प्रस्ताव को हरी झंडी मिली है। इनमें डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की नई पॉलिसी के साथ ही साथ लखनऊ में कुकरेल नाइट सफारी की योजना भी काफी अहम मानी जा रही है। वन विभाग इस पर शीघ्र ही काम प्रारंभ कर देगा। दिल्ली और मुंबई के बाद अब यूपी में भी कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है। खासकर लखनऊ में कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। यहां पिछले 24 घंटों में 157 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 2053 तक आधा क्षेत्र भीषण गर्मी की चपेट में होगा। इससे 100 मिलियन से अधिक लोग प्रभावित होंगे। अभी भी यहां का तापमान एक दिन में 125 डिग्री फारेनहाइट यानी 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। केन्या के उपराष्ट्रपति विलियम रूटो ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। विलियम रूटो ने अपने प्रतिद्वंद्वी रेला ओडिंगा को 50.49% वोट से हराया। मदर डेयरी और अमूल दोनों ने ही आज दूध के दामों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। 6 महीने के अंदर ये दूध की कीमतों में लगातार दूसरी बढ़त है। इससे पहले 6 मार्च को ही मदर डेयरी, अमूल और पराग मिल्क ने भी अपने अपने दूध उत्पादों की कीमतों को 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिया था।